हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो सबसे पहले तो आप सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कल कनीय सहाय का एग्जाम है और हम उम्मीद करेंगे कि जो आपका एग्जाम है वो बेहतर हो और आप लोगों की तैयारी भी जो है अब तो कंप्लीट हो ही गई है। ऐसा भी नहीं कि कोई नई चीज, कोई अनोखी चीज अब पढ़ी जाए। तैयारी जितनी होनी थी वो हो चुकी है। अब तो सीधे एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, ऑन द स्पॉट जो भी होगा देखा जाएगा। बहुत ज्यादा तनावग्रस्त होकर एग्जामिनेशन हॉल तक जाने की कोशिश मत करना, ठीक। दूसरा, आप सभी लोगों को इसके अलावा होली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि 13 तारीख तक आपकी क्लासेस इसी तरीके से आएंगी। क्लासेस क्या मतलब, एक जो समझाने वाली चीज है, क्योंकि मैं देहरादून में हूँ नहीं, मैं अपने घर आया हुआ हूँ और सेटअप लाना तो पॉसिबल था नहीं कि पूरा का पूरा सेटअप पकड़ के घर में आके आप लोगों के लिए क्लासेस दूँ। बड़ी मुश्किल से एक हल्की सी छोटी सी जगह मिली मुझे जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज छोड़ दूँ। और इसके अलावा क्योंकि आउटर नॉइज भी हो सकता है कि आप लोगों को बीच बीच में सुनाई दे, ये डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन एडजस्ट करना, ठीक है। एडजस्टेबल तो आप हैं, इतना एडजस्ट लाइफ में करते आए हैं, इतना और चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, कल क्योंकि पेपर है, पेपर का पैटर्न आप जानते हैं किस तरीके से कैसा है, कैसा आएगा, वो सब के सब मिथ्या है, ठीक है। वो तो ऑन द स्पॉट आपको दिखेगा कल, क्योंकि आपका 100 नंबर का जो पेपर है वो 12वीं पास का सिलेबस आपका है और UKPSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक, मतलब पहला पेपर आपका जो UKPSC अपने सिलेबस में से करा रहा है। क्योंकि आज तक आप जो पेपर देते आए हैं वो जो पेपर है आपके, वो कौन से पेपर थे आपको पता है, वो UKSSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पेपर बने हुए थे। लेकिन पहली बार चूंकि आपका सिलेबस जो है मेंशन किया गया है कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएंगे, तो कैसे उस पेपर को डील करना है, इस चीज को बड़े मतलब अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज आपका क्या है, आप सब छात्र ये जानते हैं कि जो आपका पेपर होगा वो, क्योंकि इसके बाद टाइपिंग है, टाइपिंग टेस्ट लिए, कई बच्चों ने तो शायद पेपर फॉर्म भी नहीं भरा होगा इस वजह से कि उनकी टाइपिंग नहीं आती है। और कई लोगों ने तो पेपर फॉर्म तो भर दिया है, वो ये सोचते हैं कि यार अब टाइपिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपसे पहले ये कहूंगा, सारा का सारा फोकस आपका रिटन एग्जाम में होना चाहिए। अगर आपका कल पेपर अच्छा हो जाता है, उम्मीद करेंगे कि होगा, और दुआएं भी हैं, शुभकामनाएं भी हैं, बेस्ट विशेष हैं आप लोगों के लिए कि पेपर आपका बेहतर होगा ही होगा, ठीक है। तो अगर पेपर अच्छा होता है, अगर क्या होगा वो, ठीक है, उसके बाद टाइपिंग के लिए करना है नहीं करना, कल पेपर देख के मैं आपको शाम को एनालाइज करके बता दूंगा कि पेपर का स्तर क्या था, आपके कितने मार्क्स लगभग होने चाहिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो जब आप पेपर डील करने जाओगे, सबसे पहली चीज देखना, क्योंकि 100 नंबर के पेपर में आपका सिलेबस जो है UKSSSC का ना होगा, UKPSC का, वहां आप लोगों ने कई चीजें नोट करनी है। बच्चों, नोट करने का क्या मतलब है, आपको एक सिरे से पहले क्वेश्चन को करना है। वही ऐसा नहीं कि हम लोग सर पहले पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर पढ़े, उसके बाद अपना टाइम गवाए, उसके बाद दोबारा हम लोग क्या करें, गोले बनने बैठे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि एक बार अगर पूरा का पूरा पेपर 100 नंबर का आप चेक कर लोगे, उसके बाद अगर आप पेपर सॉल्व करने बैठे, हो सकता है बच्चों उस दौरान कई क्वेश्चन आपको ना आए जब पूरा चेक करें, तो उससे क्या होता है, मेंटली जो मानसिक रूप से इंसान तनावग्रस्त हो जाता है कि यार पहले दिमाग में चल रहा होगा यार मुझे वो क्वेश्चन भी नहीं आता, मुझे वो भी नहीं आता, और यहाँ आप सही क्वेश्चन को भी गलत कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। इस चीज से बचना, कोशिश करना कि आपकी इस प्रकार की मिस्टेक जो है वो ना आए। जब पेपर में कल बैठोगे, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपका जो आप लोग OMR सीट फिल करते हैं, OMR सीट भरते हैं, वो सही तरीके से फिल करना है। क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, नए नए बच्चे हैं, 12वीं पास का जो आपका क्वालिफिकेशन है 18 से 42 साल तक के, तो जो नए बच्चे हैं उनके मार्क्स अच्छे आते हैं लेकिन वो गलत भर के आ जाते हैं क्या OMR सीट, कभी उनका रोल नंबर गलत हो जाता है, कभी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज गलत हो जाता है। तो इस मिस्टेक से किसी भी हाल में आपको क्या करना होगा, बचना होगा, ठीक है। इस मिस्टेक से, इस जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, उसके बाद इस चीज से बचना। उसके बाद जब पेपर आपके आता है, वो एक एक क्वेश्चन अलग से न पढ़ के आप क्या करना, कंप्लीटली पूरे के पूरे सिलेबस को आप सही तरीके से उसको एनालाइज करना, पूरे के पूरे क्वेश्चन को देखना और एक सीरीज से सॉल्व करते हुए चले जाना। अब ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि यार मुझे पहले मैं पूरा का पूरा पेपर देख लूं, उसके बाद मैं कोई क्वेश्चन करूं, कोई छोड़ दूं, कोई मिस कर दूं, कोई स्किप कर दूं, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। जितने क्वेश्चन आएंगे, जिस तरीके से भी आपको आएंगे, एक बार 1 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन को पूरा का पूरा सही, मतलब जितना आपको आता वो करके आना। उसके बाद इस राउंड में जब आप पहला राउंड करेंगे, आप हमेशा, मैं ये कहता आया हूं आपसे कि आपको सबसे बड़ी चीज क्या करनी है, आपको ये देखना है कि आपके वो जो क्वेश्चन है, आपने जो 100 क्वेश्चन स्टार्टिंग में किए हैं, वो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों पे आप जाना स्टार्टिंग में जो आपको लगेगा कि यार ये हाँ 110% सही है, ठीक है। मतलब आपको लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपका सही है, बिल्कुल भी आपने ये क्वेश्चन गलत नहीं किया है, ये आपको सोचना होगा। उसके बाद सेकेंड स्टेप अपनाना, जब आप
काउंट करोगे, पेपर का एनालाइज करोगे, पेपर को देखोगे किस लेवल का आपका पेपर बना है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि मेरा स्कोर कितना ज्यादा। अगर आपको लगेगा कि यार मैंने 60-65 एक्जैक्टली सही कर दी है, तब आप सेकेंड स्टेप में जाना और सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन करना जो आपको डाउट है। पहले राउंड में बिल्कुल भी ये गलती मत करना कि हम डाउट वाले क्वेश्चन में भी गोले लगा गए। पहला राउंड सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे आधारित होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में 110% में सही हूं, कि इसका आंसर होगा तो होगा, ठीक है। बिल्कुल इस चीज को आपने ध्यान रखना है और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छेड़ना है फर्स्ट राउंड में जहां पे आपको थोड़ा भी क्या हो डाउट उत्पन्न हो रहा हो, कि दिमाग में कोई ना कोई कंफ्यूजन उत्पन्न हो, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आप सेकंड राउंड जाओगे पहले राउंड के स्कोर को क्या करोगे, आप काउंट करोगे कि आप कितने क्वेश्चन आ रहे हो। अगर आपके 50 आ गए, 55 आ गए, 60 आ गए, तब आप सेकंड स्टेप में कैसे क्वेश्चन करोगे जो डाउटफुल है। यानी डाउटफुल का सेंस ये है जहां आपको दो ऑप्शनों में क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है कि यार इसका आंसर ये होगा या ये होगा, इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना। और यदि आपका पेपर ठीक ठाक बना, आपने देखा यार हाँ पेपर का स्तर ठीक ठाक है, तो 65 से 70 मार्क्स अगर आप पहुंच जाते हो और आपको लगता है कि मैंने 65 से 70 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 110% में कॉन्फिडेंस हूं कि वो सही होंगे, तब उसके बाद आप 8 से 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे करके आना जहां पे आपको थोड़ा सा सुना हो, थोड़ा सा डाउट हो उन क्वेश्चन को, तब जाके अगर कभी भी 65 से 70% में अगर हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे 65 से 70% क्वेश्चन सही हैं, उसके बाद हमें हमेशा क्या करना चाहिए, 10 से 12 क्वेश्चन को अतिरिक्त सॉल्व करना चाहिए। उस 10 से 12 में क्या होगा, गलत होंगे तो 3 नंबर कम होंगे, लेकिन सही होंगे तो 7 से 8 नंबर आपके ऊपर भी चले जाएंगे। तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बिठाना कि आपको ये चीजें किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन हॉल पे डील करनी है, ठीक है। बाकी दूसरी चीज ये होती है, अब आपका क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप छात्र हैं, एग्जाम का होना, एग्जाम क्योंकि कई लोगों का तो एक ड्रीम जॉब होगी कि यार कल जो 12वीं मास का एग्जाम है इसमें हम निकाल लें, मतलब ड्रीम जॉब का इन सेंस, ये सेंस नहीं कि आप यही आपका सपना हो कि आप कल साहब बनो, लेकिन कई लोगों को ना एक जीवन का आधार दे दिए, अगर इसमें इनका सिलेक्शन हो जाता है, कल पेपर अच्छा हो जाता है, तो कई लोगों की उम्मीदें जो है फिर से जागृत हो जाएंगी, उनको आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरणा मिलेगी, आगे उनको अच्छा करना है इसके लिए उनको एक प्रेरणा मिलेगी। तो आपको ये देखना है कि ये मत सोचना कि कल एग्जाम है यार जैसा भी होगा देखा जाएगा, वहां पे 2 घंटे पूरा का पूरा अपना जितना फोकस है पेपर में देना, ठीक है। यानी कंप्लीटली आप ये सोचना कि यार मुझे किसी न किसी हाल में इस पेपर को क्रैक करना है, इसको मुझे सॉल्व करना है, इसको मैंने निकालना ही निकालना है, ऐसे एक माइंडसेट लेके जाना। अब इसका ये मतलब नहीं कि घर से मैं सर ने कहा ऐसा और वहां जाके दबाव बना के आ गए अपने ऊपर और सही क्वेश्चन को भी गलत कर दिए। सही क्वेश्चन गलत नहीं करना है, बिल्कुल सोच समझ के करना और पेपर अच्छा होगा बच्चों, कुछ नहीं है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होती है। अगर आप पेपर में पढ़ के जा रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को कभी भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आती है। हाँ, अगर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहेगा, तो छोड़ देना, जबरदस्ती मत छुप के आना, अच्छा खासा एक मौका है बच्चों इसमें, तो आप लोग अच्छे से उस पेपर को सॉल्व करना। और ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई कि आपको किस तरीके से उस पेपर को डील करना है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पेपर में बैठे, हम लोगों ने आंख बंद करके पहले 1 से 100 नंबर तक के क्वेश्चन पढ़े, उनको सॉल्व किया, लास्ट का आधा घंटा बचा, 15 मिनट बचा, उसको गोले भरने लग गए। और गोले में क्या होता है ना, कभी कभी एक और चीज आपको ध्यान देनी है बच्चों, कौन स्पेशली ऐसे बच्चे जो नए हैं, वो क्या होता है क्वेश्चन जब गोले भरने लगोगे 1, 2, 3, 4 वो चेक कर लेना 1 के आगे ही गोला मार रहे हो, ऐसा नहीं कि कभी कभी 1 की जैसे क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में गोला लग गया तो पूरी सीरीज गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसा मत करना, ठीक है। ये आपको बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना होगा कि जो अब हम गोले लगाए, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, हमें ये भी देखना है कि OMR शीट में एग्जैक्टली उसी के आगे हम सॉल्व कर रहे हैं जो क्वेश्चन हमने वहां पे पेपर में देखा है, ठीक है, वही बिंदु पे आपने गोला लगाना है। इसके बाद जब 2 घंटे के पेपर में आप लोगों ने पूरा पेपर देखा, पूरा उसको समझा, अच्छे से उसको एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपने देखा स्कोर आपको लग गया कि 70-75 है, तो कल से ही, यानी कल पेपर देखे आओगे, कल इवनिंग से ही आपको टाइपिंग शुरू कर देनी है, क्योंकि 4000 कीवर्ड बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत आसान है हिंदी में, और मतलब हिंदी जो टाइपिंग होती 4000, हाँ 8000 होती, मैं आपको जरूर ये कहता कि यार बहुत थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है 8000 में टाइपिंग करना, लेकिन 4000 की स्पीड मुझे नहीं लगती कि बहुत ज्यादा आपको परेशानी क्रिएट करेगी या आपके लिए बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करेगी, उतना कुछ टफ होता नहीं है। और पेपर में क्योंकि 25 नंबर की जो हिंदी है, सबसे पहले क्योंकि देखो अब हमारा एक चीज कल बहुत बढ़िया है,
और वो बहुत बढ़िया वाली चीज क्या है, आपके पेपर को दिया हुआ है वो एक प्रॉपर तरीके से, जो उसने बताया कि 25 की हिंदी आएगी, 6 की पॉलिटी आएगी, 7 की रीजनिंग आएगी, तो आप सेक्शन वाइज भी कर सकते हो पेपर को सॉल्व। ठीक है, सेक्शन वाइज का मतलब स्टार्टिंग आप जब पेपर करने बैठेंगे तो आप सबसे पहले 25 नंबर की जो आपकी क्या है हिंदी है उस वाले पोर्शन को करना और उसका स्कोर काउंट कर लेना, तोड़ के भी कर सकते हो आप। पता है कभी कभी क्या होता है ना, देखो जैसे घर से कहना, हालांकि मैं मानता हूं अगर मैं आपको ये समझा रहा हूं, एग्जामिनेशन हॉल पे इतनी चीजें माइंड पे नहीं आती। क्यों क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके पास तो 2 घंटे का पेपर है, समय है, मेरी बात कहां ध्यान देने की उस टाइम पे, इतना नहीं रहता, ये भी मैं मानता हूं। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक चीज ये पक्का कहना चाहूंगा, जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, आपको टुकड़ों में पेपर दिया है, टुकड़ों का मतलब आप जैसे पढ़े हुए हैं, आपने पढ़ के जा रहे हैं, आपने तैयारी इतने समय से की है, आप अच्छे खासे बच्चे हैं, मेहनत करके जा रहे हैं, आप उस पेपर को टुकड़ों में तोड़ देना, यानी टुकड़ों में तोड़ देना का मतलब जैसे 25 की हिंदी है ना, आप जब पहले 1 से 25 नंबर तक पूरा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, स्टार्टिंग से 1 से 25 नंबर तक के क्वेश्चन आपने देखे, आपने देखा कि यार इस 25 नंबर में से मेरे कितने बन रहे, अगर आपके 20 बन गए, 22 बन गए, 23 बन गए, साथ साथ स्कोर भी लिखते रहना साइड में, यानी आपके लगा आपके 25 से 22 नंबर आ गए हिंदी में एग्जैक्ट वाले, या 20 आ गए एग्जैक्ट, 18 आ गए, साथ ही साथ ऊपर में लिख देना कहीं तो एक पेंसिल के 18 मार्क्स आपके यहाँ आ रहे। उसके बाद पॉलिटी के आपने 6 क्वेश्चन देखे, पॉलिटी में आपको लगा कि 4 क्वेश्चन आ गए, प्लस 4 करना, यानी आप सेक्शन वाइज अगर पेपर कर रहे हैं तो ये ना आपको और नजदीक ले जाता है। यानी कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप किसी चीज को तोड़ के या टुकड़ों में सॉल्व करते हो वो आपको आपके सफलता के और नजदीक लेके जाता है, यानी वो आपको और बेहतर स्कोर करने का मौका देता है। अगर हम हर चीज को एक ही साथ ले लें अपने ऊपर, अगर हम ये सोचें यार 100 नंबर का पेपर है कैसे 70 लाऊंगा, कैसे 75 लाऊंगा, इससे बेहतर है 25 नंबर की हिंदी में इसमें स्कोर कितना कर पाता हूं, मैं चेक करता हूं कि इतना स्कोर बन रहा, मैं पॉलिटी देखता हूं 6 नंबर की है, मैंने कहा कि 6 नंबर में से 4 नंबर की पॉलिटी मेरी बन गई, मैंने देखी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए 5-7 नंबर के, मैंने 5 नंबर बना के, तो इन टुकड़े 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 करके जब आप टोटल ओवरऑल स्कोर काउंट करोगे तो इससे सबसे बड़ा क्या होगा, मनोवैज्ञानिक जो आपके अंदर दबाव है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने टुकड़ों में पेपर सॉल्व किया। और मैं आपसे यही कहूंगा टुकड़े वाइज करना, यानी 25 नंबर की हिंदी में देखना कितने बन गए एक जगह लिख देना, 6 नंबर की पॉलिटी में देखना कितने बने लिख देना, हिस्ट्री में देखना 6-7 की कितने, और अंतिम समय में जब पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करनी है, रीजनिंग करनी। यानी कई बच्चे ऐसे हैं जिसकी रीजनिंग मैथ से नहीं है, उन बच्चों से मैं ये कहूंगा कि आप जब पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे उसके बाद जब लास्ट का आधा घंटा बचता है उस समय आप रीजनिंग करना, और रीजनिंग भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या करेगी, एक प्रकार से स्कोरेबल है, यानी एक प्रकार से अच्छा स्कोर रीजनिंग देती है। तो अगर पहले रीजनिंग में उलझ गए 5-6 नंबर के चक्कर में तो ये कोई मतलब फायदे का सौदा नहीं है। आपसे मैं ये कहूंगा रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो सबसे अंतिम समय में छोड़ना। अंतिम समय में सुनने के बाद आपको क्या होगा, कम से कम आप पहले के क्वेश्चनों से स्कोर का समझ जाओगे कि आपका कितना क्या बन रहा। अब मेन चीज आती है, सबसे बड़ी चीज देखो, इसमें हर छात्र जितने भी छात्र हैं उनका कोई ना कोई प्लस पॉइंट होता है, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट होता है, हमेशा ध्यान रखना। यानी हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ऐसे हो जिसका उत्तराखंड प्लस पॉइंट हो, यानी उसका उत्तराखंड में बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है, कई छात्र ऐसे हो जिसकी जीएस प्लस पॉइंट हो, उत्तराखंड वीक हो सकता है, कई लोग ऐसे जिसकी हिंदी स्ट्रांग हो, अदर सेक्शन कम हो। तो सबसे पहला काम होना चाहिए अपने प्लस पॉइंट पे काम करने का, यानी आपका जो प्लस पॉइंट है, आपको जो लगता है कि यार हाँ मेरा ये पॉजिटिव पॉइंट है, मैं इस वाले सेक्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, तो ये भी एक बढ़िया सौदा है, ये भी एक पॉजिटिव सौदा है। आप इस तरीके से भी जा सकते हैं अपने पेपर में कि यार मैं हिंदी वाले सेक्शन को पहले कर लेता हूँ, पॉलिटी का फिर करूंगा या फिर हिस्ट्री का करूंगा, जो भी है आप अपने पॉजिटिव जो भी आपको सूट करना होगा उस तरीके से जाना। लेकिन गलती से भी भावुक होके जबरदस्ती पेपर में क्वेश्चन पे छेड़छाड़ मत करने का, यानी कई लोग कह सकते हैं अरे सर पेपर बहुत हल्का आ गया था, सर मैं तो भावुक हो गया था, सर क्या करता, मुझे लगा कि यार 70 में नहीं होगा, 72 में नहीं होगा, मैं सर भावुक होके 88 करके आ गया, 94 करके आया और घर आके मेरा स्कोर 62 बन रहा है। तो ऐसे काम नहीं करने, अपना पेपर कैसा है क्या है, क्योंकि ये जो चयन की प्रक्रिया है बच्चों, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा ये सिर्फ और सिर्फ आप तक सीमित नहीं, यानी आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आप हमेशा बहुत अच्छा स्कोर करते आए हैं, आपने पहले भी बहुत ज्यादा पेपर दिए हैं, आपके स्कोर अच्छे रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका सिलेक्शन दूसरों की वजह से रुक जाता है। दूसरों की वजह से रुकने का ये मतलब मेरा यहां पे सेंस है कि दूसरा कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, यानी स्कोर दूसरा कैसा कर रहा है, इसकी वजह से भी हमारा सिलेक्शन क्या होता है प्रभावित होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर पहले पेपर आपने देखा, आपके हाथ में पेपर आया, अपनी पढ़ाई से पूछना, यानी खुद से पूछना कि यार बेटा तू एक चीज बता, तूने कितनी मेहनत की थी और तुझको कितना
इतना पता था, जब घर में प्रैक्टिस करता था, हिंदी पढ़ता था, उत्तराखंड देखता था, जीएस देखता था, रीजनिंग कंप्यूटर देखता था, तुझे कितने क्वेश्चन आते थे। तेरा दिल कहेगा, तेरी आत्मा कहेगी अंदर से, हाँ तुझे तो आता था, तू तो अच्छा परफॉर्मेंस करता था, तेरा प्रदर्शन हमेशा अच्छा रहा है, स्कोर अच्छा करता था। उसके बाद अगर तुम्हें लगता है कि यार ये पेपर मेरे उसके कंपैरिजन में जो है पेपर हार्ड लग रहा मुझे, यानी जो मैं आज तक स्कोर करता आया हूं, जैसा मेरा परफॉर्मेंस रहता था उसके कंपैरिजन में पेपर टफ लग रहा, तो फिर सीमित करके आना, यानी जबरदस्ती क्वेश्चन मत छेड़ के आ जाना वहां। और हाँ, ऐसा छात्र जो नया है, ठीक है, नया नवेला कह देता हूँ उसको, जो स्टार्टिंग में पेपर दे रहा और उसको लगा कि यार नहीं मेरा जो स्कोर है 60 या 65 बन रहा, तो उसको तो करके आ देना चाहिए, मतलब 80, 85, 90 क्वेश्चन भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो 6 महीने 7 महीने यानी जिसका पहला एग्जाम का निशा एक का है, अगर उसका 60-65 का स्कोर बन रहा, तो उन सभी छात्रों से मैं कहूंगा 90-95 क्वेश्चन करके आ जाना, वरना 60-65 में आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। बाकी पेपर कैसा है, क्या रहेगा, कितना हार्ड रहेगा, ये तो पेपर ही आपका बता पाएगा। पेपर का जब आपके हाथ में आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, कितनी रह सकती है, ये सब का सब आपका क्या डील करेगा, आपका एग्जाम ही बता पाएगा, यानी वो पेपर का स्तर ही बता पाएगा कि वो आप कहां तक आप उस पेपर में पहुंच पाते हैं। तो आप सभी छात्रों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, बिल्कुल तनाव मुक्त रह के एग्जाम दीजिए, और अपने पेपर में हमेशा याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना पेपर को हमेशा सीरियसली लेना चाहिए। कई लोग सोचते हैं यार कनिष्ठाई का पेपर है, नहीं क्या बोला आगे भी तो एग्जाम, ऐसा नहीं है बच्चों। और ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दो कि कनिष्ठाई का ही है या इसी चीज का है, उस चीज का है। आपको कल पेपर हॉल में अगर जाना है तो आपका 100% आपको उस पेपर हॉल में दे के आना है, यानी आपको अपना जो है 100% एग्जाम में दे के आना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और यहाँ इस स्टेप से भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है ना, यानी यहाँ पर भी अगर आपका करियर सेटल हो जाता है, तो आने वाले समय आपके ऑप्शन देखिए, विकल्प देखिए ना। विकल्प नहीं होते तो हम कहते यार चलो क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं इतना, विकल्प भी तो देखिए। अब जैसा यूकेपीएससी ने कैलेंडर दिया हुआ है, जैसा अभी आपका नकल का कानून आ गया, उसके बावजूद अगर चीजें खराब होती तो फिर हम क्या कहें। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि हर चीज फेयर तरीके से आने वाले समय में होगी, भविष्य हम सभी छात्रों का अच्छा रहेगा, अगर हम इस तरीके से इसको डील करें, तो आपने आज विकल्प देखिए, कनिष्ठ तो कल हो रहा है, फॉरेस्ट गार्ड, दरोगा, बंदी रक्षक, आरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, इतने तक के तो आपके पास कैलेंडर है। इसके अलावा बीपीडीओ वीडियो का री एग्जाम, वन दरोगा का री एग्जाम, इसके अलावा सचिवालय रक्षक का री एग्जाम, यानी 2023 में मान के चलना आपके 4 से 5 महीने की जीतोड़ मेहनत आपको चयन के दरवाजे तक पहुंचा देगी और फाइनली आपको सरकारी कुर्सी मिल जाएगी, इतना मैं आपसे कह सकता हूं। तो 4-5 महीने अंताधुंध पढ़ दीजिए, मतलब ऐसा अध्ययन कर दीजिए, इतनी मेहनत कर दीजिए कि हमारा इस 2023 में फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं आ जाएगा, क्योंकि इस 2023 में कम से कम 8 से 10 हजार पदों पे क्या होना है, आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। एलटी नियुक्ति मिल गई, आप देख रहे हैं, कांस्टेबल मिलने वाली है, 1600-1700 बच्चे वहां निकल जाएंगे, पटवारी का एग्जाम हो गया, 500-550 वहां जाएंगे, दरोगा आएगा, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस जितने भी हैं, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, इतनी बड़ी भर्ती है। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए विकल्प ही विकल्प है। तो कल के एग्जाम को आप सिर्फ और सिर्फ चिल करके दीजिए, स्ट्रेटेजी कैसी है, क्या करना है, किस तरीके से अपनाना है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद मैं कल पेपर देखूंगा कैसा आया था पेपर आपका, क्योंकि कल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं घर आया हूं तो आप लोग मुझे पेपर भेज देना टेलीग्राम पर, ठीक है, क्योंकि वो पेपर हो सकता है मैं लेट इवनिंग में आपको पेपर के बारे में बताऊं या उसके आंसर बताऊं या नाइट में बताऊं, क्योंकि या परसों बताऊं, क्योंकि मैं घर पे हूं तो ये इतना साधन यहां पे है नहीं, इतने चीजें है नहीं अवेलेबल कि मैं आपके लिए तुरंत आपके लिए वीडियो बना पाऊं। अभी भी जो वीडियो बना पा रहा हूं, देख रहे होंगे आप लोग मेरा बैकग्राउंड में कहां पे स्टैंड कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा टफ टास्क है, ठीक है। तो 5-7 दिन ऐसे आप लोगों को एडजस्ट करना है, उसके बाद हम लोग आरओ के लिए जैसे कल के पेपर के बाद उसके एनालिसिस करने के बाद मंडे से मैं आपको कंप्लीट एक हफ्ता आरओ की जीतोड़ चीजें बता दूंगा, मतलब जितना हो सकता है मुझसे क्या क्या किताब लेनी है, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, प्राइवेट वाले कैसे पढ़े, हर किसी को मैं हर चीज बताने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, कल के पेपर की शुभकामनाएं, होली की शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।